हेलो दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल की तरफ से आप सभी को वेलकम। और हाँ, आज जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कि आप किसी भी साइट को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं। देखिए, किसी को साइट को ब्लॉक करना जरूरी होता है। मानिए कि आपका बच्चा है जो पूरा दिन भर कंप्यूटर में फेसबुक करता रहता है, या तो कोई साइट देखते रहता है जो कि आप चाहते नहीं है कि वो ऐसा करे, और पढ़ाई में उनका मतलब नुकसान होता है, तो इसके लिए आपका पेरेंट्स जो है बहुत परेशान हो जाता है। वो किसी भी साइट को ब्लॉक कर सकता है अपने तरीके से, ठीक है, और विदाउट मतलब कि कोई भी एंटीवायरस के बावजूद वो कर सकते हैं काम। इसके लिए छोटा सा एक सेटिंग करना है, छोटा सा एक स्टेप करना है, बहुत ही ईजी स्टेप है, वो मैं आज दिखाने वाला हूँ। या तो मानिए कि मतलब काम के क्षेत्र में अगर कोई मतलब इंटरनेट पे फेसबुक कर रहा है, चैटिंग कर रहा है, वगैरह वगैरह कर रहा है, और वो आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा करे, तो इसके लिए आप छोटा सा सेटिंग करना पड़ेगा, और वो छोटा सा सेटिंग से आपका जो वो साइट है जब भी खोलने की कोशिश करेगा तभी खोल नहीं पाएगा। चलिए देख लेते हैं कि वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पीसी में जाइए, पीसी में जाइएगा और आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा विंडोज सी और विंडोज। यहाँ पे विंडोज के बाद आपको जाना पड़ेगा सिस्टम में, जाना पड़ेगा आपको ये सिस्टम 32 है, यहाँ पे जाना पड़ेगा आपको सिस्टम 32 के बाद आपको ड्राइवर्स में जाना पड़ेगा, और ड्राइवर्स के बाद आपको ETC में जाना पड़ेगा, और ETC के जाने के बाद ये जो होस्ट है, ये जो होस्ट फाइल्स है, ये होस्ट फाइल्स को आपको नोटपैड के थ्रू खोलना है। ये आपको नोटपैड के थ्रू खोलना है, एडिट विथ, आप ओपन विथ कर सकते हैं, ये एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। देखिए, आप इधर में आ जाएंगे, आपको नोटपैड रहना बहुत ही जरूरी है ये प्रोग्राम को एडिट करने के लिए। आपको यहां से ऐसे जाना पड़ेगा, और आपको ये जो सेम IP एड्रेस आप देख पा रहे हैं इसको टाइप कीजिएगा 127.0.0.1, और आप ये जगह में जो है आप जिस साइट को ब्लॉक करना चाहते हैं उसकी जो है www वर्जन और non-www वर्जन को टाइप करना पड़ेगा। जैसे कि मानिए www.facebook.com, ठीक है, इसको एंटर करेंगे और बैकस्पेस करके नीचे एंटर कीजिए, सॉरी .com, और फिर इधर में नीचे लाइए और फिर से टाइप कीजिए 127.0.0.1, और यहाँ पे इसका जो नॉन www वर्जन है facebook.com, यहाँ पे fb.com।
देखिए यहाँ पे जो है आप ये तीन तरीके से खोल सकते हैं, www.facebook.com और facebook.com और fb.com। ये किसी भी तरीके से आप इसको खोल सकते हैं, इसलिए आपको ये तीनों साइट लिखना पड़ेगा और आपको यही आईपी एड्रेस देना पड़ेगा। देखिए क्या होता है कि अगर आप कोई साइट खोलते हैं तो आप ये साइट से आप ये जो आईपी एड्रेस है इससे रिक्वेस्ट भेजता है, तो इसलिए आपको ये जो है ये बार बार लिखना पड़ेगा। देखिए इसको अब क्या करना पड़ेगा, इसको सेव कर देना पड़ेगा। यहाँ पे आप सेव कर दीजिए ये जो है देखिए लिख रहा है, द फाइल कैन नॉट बी सेव्ड एंड इट मे बी प्रोटेक्टेड, डू यू वांट टू लॉन्च नोटपैड प्लस प्लस इन एडमिनिस्ट्रेटर मोड? यस, आप इसको यस कर दीजिए। तो इसको आप यस कर दीजिएगा तो ये सेव हो गया ऑलरेडी। और आप इसको एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यहाँ पे आपको अगर कमेंट प्रॉम्प्ट टाइप करना है, और यहाँ पे देख रहे हैं कि कमेंट प्रॉम्प्ट है, तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। यस, इसके बाद ये खुल जाएगा। इसके बाद आपको जो है ये टाइप करना है, नोट पैड सी, उसके बाद कोलन स्लैश विंडोज स्लैश System32 ड्राइवर्स etc होस्ट्स, इसके बाद आपको एंटर करना है। तो देखिए एंटर करने के बाद ये खुल जाएगा आपका, ये खुल जाएगा। तो इसके बाद जो है आपको आप टाइप कर सकते हैं, आपको टाइप करना पड़ेगा 127.0.0.1 फेसबुक डॉट कॉम 127.0.0.1 www.facebook.com 127.0.0.1 fb.com। इसके बाद आपको सेव कर लेना है ये फाइल को, इसके बाद आपको ये सेव करना है। ठीक है, ये सेव हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि ये साइट खुलता है या नहीं। चलिए ये देख पा रहा है कि यहाँ पे दिखा रहा है कि facebook.com खुल नहीं रहा है, जैसे कि हम देख लेते हैं कि fb.com खुल रहा है या नहीं। देख पा रहा है कि fb.com भी नहीं खुल पा रहा है। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कि दूसरा वेबसाइट खुल रहा है या नहीं। चलिए ये दिखाई दे रहा है कि google.com खुल रहा है, google.com मतलब ये बाकी में काम कर रहा है, पर ओनली फेसबुक काम नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए इसको सेटिंग को फिर से बदल देते हैं। आप अगर फिर से इसको जिस तरीके का है उस तरीके का रखना चाहते हैं, तो इसको फिर से इसको पूरा मिटा दीजिए और फिर से एक बार इसको सेव कर दीजिए। तो चलिए आपका काम हो गया। ये सिंपल सा स्टेप है जिसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप अगर ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल से कोई फ़ायदा पा रहे हैं तो आप इसको यहाँ पे सब्सक्राइब कीजिए। चैनल नया है इसलिए सब्सक्राइब ज़्यादा नहीं है, जितना सब्सक्राइब आप ज़्यादा करेंगे उतना जल्दी जल्दी हम अब ज़्यादा वीडियो लेके आएंगे आप लोगों के पास। और ये जो ऑनलाइन हिंदी ट्यूटोरियल चैनल है ये सबसे ज़्यादा मतलब आने वालों दिनों में अच्छा वीडियो लेके आएगा, जिसके दौरान आप टेक्निकल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जान सकते हैं। और अभी के लिए चलते हैं, फिर नया कुछ वीडियो लेके सामने आएंगे।